हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हो टेक टॉक। और गाइज, अगर आप YouTube के ऊपर वीडियोस बनाते हो तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपनी ऑडियो को जो है वो और ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हो। बिकॉज काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ऑडियो वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि YouTube एक वीडियो प्लेटफॉर्म है और मुझे विजुअल्स के ऊपर, वीडियो के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। बट इस चक्कर में वो जो है वो ऑडियो को बिल्कुल ही यहाँ पर डिनाई कर देते हैं। तो काफ़ी सारी वीडियोज़ में क्या होता है, काफ़ी सारी नॉइज़ आ रही होती है जो कि अच्छी नहीं लगती है, और व्यूअर्स आपकी वीडियोज़ को कई बार छोड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसे में क्या सलूशन बचता है अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है? बिकॉज लैपटॉप के में अंदर जो है, कंप्यूटर के अंदर आपको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे देखने को मिल जाते हैं जहां से आप नॉइज़ वगैरह को रिमूव करके अपनी ऑडियो को बेटर कर सकते हो। बट फ़ोन के अंदर अभी कोई ऐसा खास जो है वो आपको ऐप देखने को नहीं मिलता। बट इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप जो है वो अपनी ऑडियो को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हो, नॉइज़ वगैरह को भी रिमूव कर पाओगे। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड हेल्पफुल भी होने वाली है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, आज की जो हमारी ऐप है इसका नाम है डॉल्बी ऑन। आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ये ऐप है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे फंक्शंस जो हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको एक ऑडियो सैंपल सुनाता हूँ और उसके बाद आप खुद से जज करना कि ये ऐप कितनी जो है वो काम करती है। सो गाइज, ये वाली जो ऑडियो है ये आप सुन रहे हो मोबाइल के रिकॉर्डर के साथ, जो मोबाइल के अंदर रिकॉर्डर आता है उसी से मैं ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ भी मैंने फिल्टर जो है वो यहाँ पे नहीं लगाया है। वॉइस क्लैरिटी का जो अंदाज़ा है आप लगा सकते हो, नॉइस को भी आप सुन सकते हो। एंड गाइज, ये वाली जो ऑडियो है ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ डॉल्बी ऑन के साथ, और यहाँ पे दोनों ही ऑडियोज में फैन चल रहा था। तो आप इस वाली ऑडियो में भी यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी नॉइज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, कैसी आपको वॉइस क्लैरिटी देखने को मिल रही है। एंड मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया है, जो भी एडिट किया है वो डॉल्बी ऑन ने खुद से एडिट किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह की यहाँ पे आपको ऑडियो आउटपुट देखने को मिलती है। सो गाइज, ये तो थे कुछ ऑडियो सैंपल्स जो आपने सुने डॉल्बी ऑन के, और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है इस ऐप के थ्रू। और अगर मैं इस ऐप के इंटरफेस की बात करूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके थ्रू आप जो है वो ऑडियो वीडियो सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको वीडियो का ऑप्शन भी एज यू कैन सी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप वीडियो के लिए भी ऑडियो रिकॉर्ड करोगे तो उसमें भी ये इम्प्रूवमेंट करेगा। सेकेंड नंबर पर आपको यहाँ पर ऑडियो के लिए ऑप्शन मिल जाता है, रिकॉर्डिंग आप सुन ही चुके हो यहाँ पर। एंड थर्ड नंबर पर आपको यहाँ पर लाइव पॉडकास्ट अगर आप करते हो तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आप देखोगे कि सभी तरह के ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेटिंग्स की, तो अगर आप अपनी ऑडियो के ऊपर जाते हो तो आपको यहाँ पे ऑडियो को एडिट करने के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से आप अपने हिसाब से पिच चेंज कर सकते हो, अपनी ऑडियो की स्टाइल चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आपको नॉइस रिडक्शन को ऑन रखना है या फिर ऑफ करना है, एंड ऑन ऑफ करने का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद बेस कितना रखना है, आप इसको कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हो। एंड सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे ट्रैवल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ट्रैवल को भी आप अपने इस लाइकिंग के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड आपको बूस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो अगर आपको बूस्ट करना है अपनी आवाज़ को थोड़ा और भारी सा लगाना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड लास्टली आपको यहाँ पे अगर आपकी ऑडियो को ट्रिम करना है तो आप स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट पे ले जाके उसको ट्रिम भी कर सकते हो अपनी लाइकिंग के हिसाब से, एंड ये उसी हिसाब से यहाँ पे ऑडियो को ट्रिम भी कर देगा। तो ओवरऑल जो है काफ़ी अच्छे फंक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड उसके बिना यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ से आप अपनी वीडियो को भी सेव कर सकते हो या फिर ऑडियो को भी सेव कर सकते हो, और उसके बाद अपनी वीडियो के अंदर जो है वो आप इस ऑडियो को यूज़ कर सकते हो। सो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सॉफ्टवेयर है ये, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिंपली से आपको इस डॉल्बी ऑन को ऑन करना है एंड ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी ऑडियो को एडिट कर देगा और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे आपकी वीडियोस में देखने को मिलेगा। सो गाइज, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये ऐप आपको पसंद आई हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।